नवी मुंबई नेटवर्क। शिवसेना जिला प्रमुख विठल मोरी और शिवसेना विभाग प्रमुख अवधूत मोरी के लगातार पत्र व्यवहार और प्रयत्नों के बाद नागरिकों की मांग का संज्ञान लेकर महाराष्ट्र सरकार के विकास कार्य निधि से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में मंजूर निधि के माध्यम से वाशीगांव हाईवे सिग्नल के पास साउंड बैरियर के काम का शुभारम्भ सम्पन्न हुआ। शिवसेना जिला प्रमुख विठल मोरे की विशेष उपस्थिति में प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिक पानसरे के हाथों शिवसेना के उप जिला प्रमुख अतुल कुलकर्णी, एकनाथ दुखंडे, विभाग प्रमुख अवधूत मोरे, अजय मोरे, साथ ही प्रभाग के नागरिकों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। विठल मोरे ने कहा कि 2010-2015 के बतौर नगर सेवक के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने नागरिकों की मांग पर साउंड बैरियर की मांग नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन से की थी, मगर फंड के अभाव के कारण ये काम प्रलंबित रहा। ऐसे में लगातार पत्र व्यवहार और फॉलो अप के बाद नगर विकास विभाग द्वारा विशेष काम के तहत साउंड बैरियर के काम के लिए निधि मंजूर करवाई गई, जिसके बाद आज जाकर इस काम को रफ्तार मिली। बता दें कि वाशी सेक्टर 6 के करीब हाईवे होने के कारण लगातार 24 घंटे गुजरते वाहनों के कारण नागरिकों को वर्षों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पर्यावरण के साथ पंछियों को भी इससे हानि पहुँच रही थी, मगर अब इस साउंड बैरियर के काम से वाशी सेक्टर 6 के नागरिकों की वर्षों की समस्याओं का अब निदान हुआ है। विठल मोरे साहब ने जो भी यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है और उसके पीछे जो इन्होंने कष्ट लिए हैं, उसका फल जो है अभी हम देख रहे हैं कि ये अभी मिल रहा है और ये जल्दी से जल्दी ये काम ये समाप्त करेंगे, इस बात की है। और इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्दी से वो खत्म करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू NMMC एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड मिस्टर मोरे for this sound barrier, because we were highly inconvenienced and this is a real dream come true. Because of the heavy vehicles, we were mostly senior citizens stay here, so thank you once again for this sound barrier. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विठल मोरे ने कहा कि काफी पत्र व्यवहार और फॉलो अप करने के बाद आखिरकार इस काम को गति मिली और उन्हें इस बात की खुशी है कि लोगों की इस महत्वपूर्ण मांग को पूरा करने में वे कामयाब रहे। ये बड़े मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं पिछले 2010 में 2010 से 2015 तक इस इलाके का कॉर्पोरेटर था और उस वक्त मैंने ये साउंड बैरियर के लिए मांग कॉर्पोरेशन के पास की थी, लेकिन कॉर्पोरेशन की तरफ से उस वक्त इसके लिए फंड अवेलेबल नहीं हुआ। आज अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने और उनके साथ में UD मिनिस्टर जो आज के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर एकनाथ जी शिंदे वो थे, तो नवंबर 2021 को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के तरफ से UD को ये फंड ट्रांसफ़र किया गया और मुझे UD से फ़ोन आया कि आपका एरिया के लिए कुछ स्पेशल काम के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने फंड सैंक्शन किया है, आप तुरंत पत्र दीजिए। मैंने तुरंत पत्र दिया और वो फंड सैंक्शन होके मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पर भेज दिया। वैसे ही व्हाट्सएप हमारे चीफ इंजीनियर जो हमारे सिटी इंजीनियर है उनको गया, हमारे कमिश्नर को भी गया और उसकी जो प्रोसीजर थी वो मुझे पूरी करनी पड़ी। क्यों? कमिश्नर साहब का यहाँ पर सैंक्शन होने के बाद ये लेटर गया हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर नार्वेकर साहब के पास, वहाँ से सैंक्शन होने के बाद ये पत्र गया हमारे डिविजनल कमिश्नर उनके पास गया, तो ये सब होने के बाद टेंडर सिस्टम हो गई
टेंडर बन गया और बाद में दूसरी प्रोसीजर थी वो भी पूरी हुई, उसमें मुझे थोड़ा फॉलो करना ही पड़ा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर इकोस्टिक वॉल का काम का उद्घाटन यहाँ के सभी सीनियर सिटीजन और उनके आशीर्वाद से यहाँ पर हो रहा है। इस वक्त मेरे पार्टी के यहाँ के उपजिला प्रमुख कुलकर्णी साहब, मेरे उपेश्वर प्रमुख दुखंडे साहब, हमारे विभाग प्रमुख अवधूत जी और बाकी यहाँ के सीनियर सिटीजन हमारे जिनका उम्र 84 ईयर है, मिस्टर पानसरे साहब, दादा उनको हम बोलते हैं, इनके उपस्थिति में उनके शुभाद हस्ते यहाँ पर नारियल तोड़ा गया और ये काम शुरू हुआ है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस एरिया के लोगों की जो मांग थी वो मैं पूरा कर सका, इसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। बता दें कि इस काम के लिए संपूर्ण 1 करोड़ की निधि राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई है। साउंड बैरियर का काम प्रवीण एंटरप्राइजेस नामक ठेकेदार के माध्यम से 6 महीनों के कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।